इन दुष्टों को वरदान प्राप्त होने से संसार में पुनः अन्याय और अत्याचार का वातावरण छा जाएगा। आप ब्रह्मलोक लौट जाएं परमपिता। आप दुष्ट असुरों को वरदान देकर हमारे संकट में वृद्धि ना करें परमपिता। आप लौट जाएं परमपिता, आप लौट जाएं। आप सभी सत्य से परिचित हैं देवगणों कि किसी तपस्वी की कठोर तपस्या का प्रतिफल देना हम शुभ शक्तियों का परम कर्तव्य है। इसी कारण आप सभी हमें अपने कर्तव्य से विमुख ना करें। इन्हें वरदान देने के लिए ही हमने ब्रह्मलोक से प्रस्थान किया है। किंतु ब्रह्मदेव, 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 जगत जननी माता पार्वती की जय हो। नंदीश्वर, श्री गणेश का कोई समाचार? नहीं माता, भगवान भोलेनाथ अभी भी समाधि में लीन हैं। माता, अनुज श्री गणेश अब तक लौट कर क्यों नहीं आए? उनके बिना मेरा मन ही नहीं लग रहा। कार्तिकेय, मैं स्वयं उसके लिए चिंतित हूँ। वो महादेव की आज्ञा से उस दुष्ट दुरासत का वध करने गया है। समझ में नहीं आता, इतना छोटा सा बालक उस भयानक वरदानी दुरासत का वध कैसे कर पाएगा? माता, तारकासुर के वध के समय भी आप मुझे लेकर इसी प्रकार चिंतित हो गई थी। अनुर्षी गणेश परम देव श्री महागणेश के पूर्ण अवतार है, इस कारण कोई भी असुर उनका बाल तक बाका नहीं कर पाएगा। देखना माता, वे शीघ्र ही विजय प्राप्त कर कैलाश पधारेंगे। प्रणाम माता श्री, प्रणाम बड़े भैया, प्रणाम नंदी महाराज। अग्र पूज्य श्री गणेश, हमारे प्रणाम के अधिकारी तो आप हैं, फिर आप हमें प्रणाम क्यों करते हैं? अग्र पूजा और प्रणाम का अधिकारी जो मेरा स्वरूप है इस समय मुझ में नहीं है। इस समय तो मैं अपनी माता का एक अबोध और छोटा सा बालक हूँ जिसे असुरों से लड़ना नहीं आता, इसलिए तो मेरी माता इतनी चिंतित हो रही थी। क्यों माता? चतुराई में तुमसे कोई पार नहीं पा सकता पुत्र गणेश। तुमने स्वयं अपनी माता को तर्क से निरुत्तर कर दिया। सब कुछ जानकर भी माता का हृदय सदा अपने पुत्र के लिए चिंतित रहता है। मुझ महाकाय गजानन की भूख के लिए चिंतित हुआ करें माता। आपके बनाए हुए स्वादिष्ट मोदकों के कारण ही मेरी भूख कभी भी तृप्त नहीं होती। तुम्हारी भूख की चिंता तुम्हारे आने से पहले ही कर ली थी मैंने। जाओ, तुम दोनों भाई मोदकों का भोग लगाओ। अब मुझे भी आज्ञा दें। दैत्य माता दिति ने तारक पुत्रों की सौगंध के साथ आत्महत्या का भय दिखाकर हमें बांध दिया है। मैं अपने पुत्रों के समीप नहीं जा सकती। सत्य तो यह है पुत्र वधु, मेरे पुत्र तारक के साथ इनके दैत्य सिद्धिया भी इनसे दूर हो गई थी। तब ये ठीक हो गई थी,
परंतु अब तपस्या की सफलता की आशा में ये पुनः अपने आप को महान समझने लगी है। इनका ये अभिमान टूटना ही चाहिए। कैसे टूटेगा इनका अभिमान? इनका स्वभाव तो बदलता ही नहीं है। बदलेगा क्यों नहीं? जिस प्रकार इनकी सौत अदिति ने इनको अपमानित और प्रताड़ित करके कश्यप आश्रम से बाहर निकाल दिया था, ठीक उसी प्रकार हमको इनके साथ कठोर व्यवहार करना होगा। आप सत्य कह रही हैं माताश्री, हमें इनके साथ ऐसा ही करना होगा। मैं इन्हें तपस्या ना करने के लिए विवश करती हूँ। बधाई हो देवराज, अब आपको इनकी तपस्या खंडित करने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। परमपिता, परमपिता, ब्रह्मदेव, परमपिता, ब्रह्मदेव। हमें ज्ञात है परमपिता, आप इन दुष्टों को वरदान देने के लिए जा रहे हैं, किंतु जाने से पूर्व हमारी प्रार्थना आप सुन लें। कैसी प्रार्थना देवराज? परमपिता, दैत्य माता दीदी के स्वभाव से आप भली भांति परिचित हैं। तारकासुर के भांति उसके पुत्र अन्याय और अत्याचार में किसी से कम नहीं है। वे आपके वरदान के योग्य नहीं है परमपिता, आप उन्हें वरदान न दें। देवराज उचित कह रहे हैं परमपिता, इन दुष्टों को वरदान प्राप्त होने से संसार में पुनः अन्याय और अत्याचार का वातावरण छा जाएगा। आप ब्रह्मलोक लौट जाएं परमपिता। आप दुष्ट असुरों को वरदान देकर हमारे संकट में वृद्धि ना करें परमपिता। आप लौट जाएं परमपिता, आप लौट जाएं। आप सभी सत्य से परिचित हैं देवगणों, कि किसी तपस्वी की कठोर तपस्या का प्रतिफल देना हम शुभ शक्तियों का परम कर्तव्य है। इसी कारण आप सभी हमें अपने कर्तव्य से विमुख ना करें। इन्हें वरदान देने के लिए ही हमने ब्रह्मलोक से प्रस्थान किया है। किंतु ब्रह्मदेव, 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 ब्रह्मदेव मेरे पुत्रों की तपस्या से प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। ठहर जाओ शांबुकी। किसी तपस्वी की तपस्या में बाधा पहुंचाना दंडनीय अपराध है। प्रणाम ब्रह्मदेव। तारक पुत्रों, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, मैं तुम तीनों की कठोर तपस्या से प्रसन्न हुआ। अपना इच्छित वरदान मांगो। ब्रह्मदेव, क्या मैंने आपकी तपस्या नहीं की, जो आपने मेरा नाम पुकारा तक नहीं? दीति, तुम हमारी पौत्री हो, दक्ष पुत्री होने के कारण तुम हमारी स्नेह की पात्र हो, परंतु तपस्या के समय अनावश्यक क्रोध ने तुम्हारी तपस्या के प्रभाव को सीमित कर दिया है। मैं आपसे इच्छित वरदान प्राप्त करके ही रहूंगी। जब तक आप मुझे वरदान नहीं देंगे, तब तक मैं इन तारक पुत्रों को भी वरदान देने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें वरदान अवश्य दूंगा दीदी, परंतु तुम्हारी इच्छा से नहीं, अपनी इच्छा से। तुम्हें वो सभी दैत्य शक्तियां उन्हें प्राप्त होंगी जो तारकासुर की मृत्यु से पूर्व तुम्हें प्राप्त थी। तुम इच्छा अनुसार संसार में कहीं भी प्रकट अथवा दृश्य हो सकती हो, परंतु परंतु
परंतु क्या ब्रह्मदेव? तुम अपनी अतुल्य दैत्य शक्ति से किसी की भी प्राण हानि नहीं कर सकोगे। प्राण हानि की आवश्यकता भी नहीं है। सभी मेरी दैत्य शक्तियों से भयभीत रहें, इतना ही पर्याप्त है। आपसे इच्छित वरदान प्राप्त कर मैं धन्य हुई। यदि तुम वास्तव में प्रसन्न हो तो मेरे आदेश का सम्मान करते हुए इसी समय यहाँ से अदृश्य हो जाओ। ऐसा क्यों परमपिता? तुम्हारे यहाँ उपस्थित रहने से तारक पुत्रों को मिलने वाले वरदान में बाधा पड़ेगी। आप मेरा अपमान कर रहे हैं परमपिता। तुम इसे अपना अपमान समझो अथवा मेरा आदेश, किंतु तुम यहाँ से शीघ्र ही अदृश्य हो जाओ, अन्यथा मेरा वरदान तुम पर प्रभावी नहीं होगा। तारक पुत्रों, हमसे अपना इच्छित वरदान मांगो। हम किसी देवी अथवा शुभ शक्ति के हाथों नहीं मरना चाहते परमपिता। सर्वप्रथम आप हमें अमृत का वरदान दें। असंभव। तारक पुत्रों, जन्म लेने वाले की मृत्यु अटल है, अमरता के अतिरिक्त कोई और वरदान मांगो। यदि आप हमें अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो ऐसे सुदृढ़ तीन पुरों के निर्माण का वरदान दें जिसमें हमें मारने वाला प्रवेश न कर सके। तथास्तु, हम तुम्हें ऐसे सुदृढ़ दुर्ग युक्त पुरों के निर्माण का वरदान देते हैं जिसमें तुम्हारा वध करने वाला प्रवेश नहीं कर सकेगा। तुम्हारे इन पुरों का निर्माण महान दैत्य शिल्पी मैं दानव करेंगे, किंतु वे पुर किस धातु के बनेंगे इसका निर्णय तुम्हें स्वयं करना होगा। परमपिता, आप मेरे लिए स्वर्ण धातु के दुर्ग का निर्माण करवाएं। मेरे लिए रजत धातु के पुर का निर्माण करवाएं परमपिता। विद्युत जैसी चमक वाले मेरे शरीर के लिए लोह धातु उचित होगी परमपिता। तथास्तु। तारक पुत्रों, तुमने अपना इच्छित वरदान प्राप्त कर लिया है, अब अपने वधकर्ता का निर्णय भी तुम स्वयं करो। ये कैसी अनहोनी बात कर रहे हैं आप परमपिता? नहीं पुत्रों, तुम अपने वधकर्ता का निर्णय नहीं करना जिससे तुम्हारी मृत्यु असंभव हो जाएगी, तुम अमर हो जाओगे। देवी शाम्बु की मेरे कथन की उपेक्षा करने से तुम्हारे पुत्रों को दिया हुआ मेरा वरदान व्यर्थ हो जाएगा। कहो तारक पुत्रों, तुम किसके हाथों मरना चाहोगे? ब्रह्मदेव, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा था कि भगवान शिव असुरों के आराध्य हैं और वे कभी अपने आराधकों का वध नहीं करेंगे। हमारा उन्हीं आशुतोष के हाथों मरने का विधान लिखें परमपिता। तथास्तु। देवी अदिति, तुम्हारी बड़ी बहन के न रहने से आश्रम का वातावरण कितना शांत और पावन हो गया है ना? दीदी तो अपनी दैत्य शक्ति का परिचय देने यहाँ लौट आई थी, परंतु तारक की मृत्यु के पश्चात से दैत्य शक्तियाँ उनसे दूर जा चुकी हैं। मैंने इस आश्रम के वातावरण को पावन करने के लिए उन्हें यहाँ से लौट जाने के लिए विवश कर दिया था। दुष्टा, अभागन, मैं तेरी दुष्ट कामना कदापि सफल नहीं होने दूंगी। तुम दोनों को कभी भी मनमानी नहीं करने दूंगी। कलमुही, बहन की शत्रु अदिति, मेरी अनुपस्थिति का तूने भरपूर लाभ उठाया है। तूने इस आश्रम पर एकाधिकार बना लिया है, परंतु अब मेरे पक्षपाती तथा पाखंडी पति भी मेरे क्रोध से
तेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। शांत रहो दीदी, इतने दिनों पश्चात आश्रम लौटी हो, तनिक शिष्टाचार रखो। शिष्टाचार इस दुष्टा के साथ असंभव। मैं अभी अभी ब्रह्मदेव से अतुल्य दैत्य शक्ति का वरदान प्राप्त करके आई हूँ। मुझे इस दुष्टा से अपने अपमान का प्रतिशोध लेना है। संयम रखो दीदी। आपको हम बहनों के सौभाग्य की सौगंध, हट जाए हमारे मार्ग से। जब तक मैं इस अभागन अदिति को दंडित नहीं कर दूंगी, तब तक मेरे जलते हृदय को शांति नहीं प्राप्त होगी। अब बुला अपने श्री महागणेश को। आज मेरे क्रोध से तेरी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। अब मेरी इच्छा होने तक तू इस कुटिया में मेरी बंदी बनकर रहेगी। इच्छा होने पर भी तू इस कुटिया से बाहर नहीं निकल पाएगी। दैत्य शक्ति प्रकट हो। दीदी, ये तो मुझे उचित नहीं कर रही हो दीदी। यदि मैं अनुचित कर रही हूँ तो तुम अपने श्री महागणेश को बुलवाकर उचित करवा लो। हे परम देव श्री महागणेश रक्षा करें। हे परम देव श्री महागणेश रक्षा करें। तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली, पुत्रों, तुमने असुर शत्रु इंद्र को परास्त करने और स्वर्ग पर विजय पाने का वरदान ब्रह्मा से नाम मांगकर अपने जीवन की सबसे भयानक भूल की है। तुम अपने महान पिता के हत्यारे कार्तिकेय से प्रतिशोध लेना कैसे भूल गए? कैसे? आज के पश्चात तुम तीनों मेरे आशीर्वाद के पात्र नहीं रहे। पुत्र वधु शांबु की, तुम अपने परमवीर पुत्रों के वरदान का मूल रहस्य न समझ सके? मूल रहस्य? हाँ पुत्र वधु शांबु की, तुम्हारे पुत्रों ने ब्रह्मा जी से जो वरदान मांगा है उसके अनुसार इनके पुरों में इनका वध करने के लिए कोई प्रवेश नहीं कर सकेगा और ये अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेकर अपने पुरों में प्रवेश कर सकेंगे, जहाँ इन्हें ब्रह्मा जी के वरदान के कारण सदा अमरता प्राप्त रहेगी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं माता श्री, असुर जाति के उत्कर्ष का सदा ध्यान रखेंगे, असुर शत्रुओं को कदापि क्षमा नहीं करेंगे। सदा सुखी रहो मेरे पुत्रों, संसार में तुम्हारी कीर्ति और विजय का ध्वज सदा लहराता रहे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। प्रणाम वरदानी तारक पुत्रों, मैं दैत्य शिल्पी मय दानव हूं। ब्रह्मदेव की आज्ञा से और आपकी इच्छा अनुसार त्रिपुरों का निर्माण करने के लिए यहां प्रकट हुआ हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो तारक पुत्रों, ब्रह्मदेव की आज्ञा के अनुसार मैं आप तीनों महान असुरों के उपभोग एवं आवास के लिए स्वर्णपुरी, रजतपुरी तथा लोहपुरी का निर्माण कमशय स्वर्ग, अंतरिक्ष तथा पृथ्वी के समीप करूंगा। आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए। देवी शांबुकी, देवी वरांगी, आपके संतोष के लिए मैं इतना बताना आवश्यक समझता हूँ कि मेरे द्वारा निर्मित त्रिपुरों से विश्व का कोई भी महल समानता नहीं कर पाएगा।
आप मुझे आज्ञा दें ये शुभ कार्य मैं कब आरंभ करूं। तो शुभ कार्य में विलंब कैसा दैत्य शिल्पी, आप अपने शिल्प का अद्वितीय चमत्कार शीघ्र कर दिखाएं। हम सब उन अद्भुत पुरों में निवास करने के लिए व्यग्र हैं। जो आज्ञा।